गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टूडेज मैथ्स वर्क। मैथ्स में आज क्या करेंगे, हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। हमारा पेज नंबर है 70। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विपुल हैज 28 टॉफीज, ही गेव अवे 19 टॉफीज टू हिज फ्रेंड, हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट विद विपुल। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, विपुल के पास 28 टॉफीज हैं, ठीक है, और उसने 19 टॉफीज अपने फ्रेंड को दे दी। अब विपुल के पास टोटल कितनी टॉफीज बची हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम इनको अरेंज करते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं 28 और 19 जो टॉफीज हैं, हम इनको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, आपको पता है वन स्टैंड्स में। ठीक है, वन स्टैंड्स में हमने अरेंज किया, और देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट, टोटल कितनी बची हुई हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। और सब्ट्रैक्ट करते टाइम जो बड़ा नंबर होगा, यानी कि जो ज़्यादा टॉफीज हैं वो ऊपर लिखेंगे, और जो कम है लेस है वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 28 और 19 अब हमारे वंस में है 8 और 9 नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 स्मॉल है, 9 बिग है, तो हमने 1 बोरो लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हुआ हमारा नंबर, 18 में से हमने 9 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, और यहाँ पे टेंस में हमारा 1 बचा। ठीक है, 1 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या 0। अब हमारे पास टोटल कितने टॉफीज है, 9 टॉफीज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 30 बुक्स ऑन अ बुक शेल्फ, आर दी रिमूव्ड 12 बुक्स फ्रॉम इट, हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट ऑन द शेल्फ। देखिए देयर आर 30 बुक्स, एक बुक शेल्फ है उसमें 30 बुक्स हैं टोटल, और जो एक लड़की है आरती, रिमूव्ड आरती ने उसमें से 12 बुक जो है वो निकाल ली, हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट ऑन द शेल्फ, और अब उस शेल्फ में टोटल कितनी बुक्स बची हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ रहा है, हमें सब्ट्रैक करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने नंबर्स को अरेंज करेंगे किसमें, वन स्टैंड्स में, और जब हम अरेंज करेंगे तो ऊपर हमारा बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर यानी कि जो हमारी ज़्यादा बुक्स हैं, ज़्यादा बुक है 30। ठीक है, और 12 बुक है हमारी जो लेस है, कम बुक हैं, वो हमने नीचे लिखा। अब हम इनको सब्ट्रैक करते हैं, देखिए अब हमारे वंस में क्या है, 0 है और 2 है, ऊपर 0 स्मॉल है, तो हमने क्या किया, टेंस में से 1 बोरो लिया। अब यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8, और टेंस में हमारा क्या बचा, 2, 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 18 बुक्स हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन आर क्लास बट 6 ऑफ देम आर अब्सेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए एक क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, बट 6 स्टूडेंट्स अब्सेंट भी हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं क्लास में वो कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमने समझा कि हमें सब्ट्रैक करना है, और उसके लिए हमने इनको पहले अरेंज किया अपने नंबर्स को। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स को हमने अरेंज किया वन स्टैंड्स लिख के। ठीक है, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो हमने ऊपर लिखे, और जो कम स्टूडेंट्स हैं वो हमने नीचे लिखे। ठीक है, अब वंस में हमारा 5 और 6 नंबर है। ठीक है, अब 5 स्मॉल है, तो हमने टेंस में से 1 बोरो लिया, यहाँ पे 15 बना, 15 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आएगा। अब टेंस में हमारा 2 बचा, ऊपर 2 है नीचे 0 है। ठीक है, अब 2 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आए। ठीक है, 29 स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन है, देयर वर 50 पेंस इन अ पैकेट फ्रॉम दीज 24 पेंस वर सोल्ड, हाउ मैनी पेंस आर लेफ्ट इन द पैकेट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक पैकेट है उसमें 50 पेंस हैं। ठीक है, और इसमें से जो 24 पेंस हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि बिक चुके हैं। अब पैकेट में कितने पेन बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने नंबर्स को जो हमें पेन के लिए दिए गए हैं उनको, ठीक है, तो सबसे पहले हम वन स्टैंड्स के लिए इनको अरेंज करते हैं। अब देखिए ज़्यादा पेन है 50, तो हमने 50 ऊपर लिखा, और स्मॉल है जो कम पेन है, छोटे कम है वो लेस है, वो है 24 पेन्स, वो हमने नीचे लिखा। देखिए वंस में हमारी 0 और
फोर है, ठीक है, ऊपर जीरो है, जीरो स्मॉल है और फोर बिगर है, तो हम क्या करेंगे, हम टेंस में से वन बोरो लेंगे, तो यहाँ पे हमारा नंबर बना टेन। अब टेन में से हमने फोर को सब्ट्रैक्ट किया तो सिक्स, और उसके बाद हमारा टेंस में फोर बचा, फोर में से हम टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टू बचेगा हमारा, 26 पेन्स हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल जो पैकेट में पेन है वो 26 है। नेक्स्ट है, देयर आर 44 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इफ 25 ऑफ देम आर बॉयज देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ये एक क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 44 हैं, ठीक है, अगर उस क्लास में 25 बॉयज स्टूडेंट हैं तो गर्ल्स स्टूडेंट्स कितनी होंगी हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने नंबर्स को अरेंज करेंगे वन स्टैंड, ठीक है, जो हमारे बिगर भी नंबर होगा, यानी कि 44 स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हमने ऊपर लिखा, और 25 हमारे कम स्टूडेंट्स हैं तो वो हमने नीचे लिखा। उसके बाद देखिए, वंस में हमारा फोर है और फाइव नंबर है, अब फोर स्मॉल है तो हमने टेंस में से वन बोरो लिया है, ठीक है, यहाँ 14 हुआ, 14 में से अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9, अब 10 में बचा 3, 3 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 19 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो क्या हमारा क्या आंसर आया, 19 स्टूडेंट्स, ठीक है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यशु बॉट 33 बनानास, 6 बनानास गोट स्पॉइल्ड एंड शी थ्रू देम अवे, हाउ मैनी बनानास वर लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए, यशु ने 33 बनानास जो है वो लिए हैं, खरीदे हैं, इनमें से 6 बनानास खराब निकल गए, ठीक है, और उसने उनको फेंक दिया। अब हमें बताना है कि 6 बनानास फेंकने के बाद उसके पास टोटल कितने बनाना बचे, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं वन स्टैंड, ज़्यादा बनानास है 33 लिखेंगे ऊपर, उसके बाद 6 है कम, ठीक है, 6 लिखेंगे नीचे, उसके बाद देखिए वंस में हमारा 3 और 6 है, ऊपर 3 छोटा नंबर है तो हमने टेंस में से 1 बोरो लिया, बना 13 नंबर में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7, अब टेंस में हमारा बचा 2 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 2 ही बचा, ठीक है, तो 27 बनानास उसके पास बचे हैं, 27 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 17 था, वर्ड प्रॉब्लम्स, सब बच्चे इनको ध्यान से करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।